सोलन शहर को सीवरेज की समस्या से कब निजात मिलेगी? यह सवाल कई महीनों से सूर्या विहार के लोग आईपीएच विभाग से पूछ रहे हैं, पर विभाग लोगों की आवाज को अनसुना कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि कॉलोनी से गुजरने वाली सीवरेज पाइप हफ्ते में दो बार ब्लॉक हो रही है। इस कारण सीवरेज का गंदा पानी खुले में बह रहा है। शहर में सीवरेज पाइप का ब्लॉक होना कोई नई बात नहीं है। यह सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा है। अभी एक हफ्ता पहले ही यहाँ पाइप 7-8 दिन तक यूं ही शहर में गंदगी बहाती रही। हालांकि 18 अगस्त को विभाग ने उसे ठीक करवा दिया था, लेकिन हालात फिर पहले जैसे हो गए हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से सुरेंद्र मामटा की रिपोर्ट।